आपको पब्लिक में शर्म नहीं आती? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और मेरा है व्रत। जैसे कि मैंने 3-4 मंडे से स्टार्ट किया है मेरा व्रत और अभी सुबह की बज रही हैं 11। सो मैं अभी थोड़ा सा मेरा काम कर रही हूँ। मेरे जो सूट हैं वो मुझे थोड़े से लूज़ आ रहे हैं और कल यश ने भी जो दिया था वो भी लूज़ आ रहा है, तो उसको करवाना है फिटिंग। तो उसको थोड़ा खोल देती हूँ एंड वो प्रॉपर जो मेरी फिटिंग है उसके हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस उन्हीं को खोलने का काम चल रहा है। और वैदिक ने कल दी थी डेरिमिल सिल्क, थैंक्स टू वैदिक मेरे भाई, जो कि मैंने रात को सिर्फ 2 बाइट खाई है। अभी और 2 बाइट खाऊंगी क्योंकि आई एम अ चॉकलेट लवर, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी एंड डार्क चॉकलेट। बट सिल्क तो मुझे अच्छी लगती है, डार्क चॉकलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसी के साथ मैं अब आपसे मिलूँ, थोड़ा बहुत काम कर दूँ, फिर मिलती हूँ आपको। आज शॉप पे भी लेट ही जाने का सोच रही हूँ, कुछ घर के भी काम निपटा लूँ। और कल से लगी है इतनी थकान, यानी पूछो मत, मेरे फेस पर भी देख ही रहा होगा, बहुत थकान लग रही है। भले यानी यूँ हो रहा है, पूरा दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा था और नींद भी मुझे आज प्रॉपर आई नहीं है। क्या बता, रे रे के उड़ रही थी इसलिए मज़ा नहीं आया सोने में। फिर अगर आज पूरी नींद होगी तो ही मेरा सब सही होगा, यानी थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी। पर कहाँ यार, नींद दोपहर में सोने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा और मैं दोपहर में सोती भी नहीं हूँ। अगर दोपहर में सो गई तो रात को मेरा जागरण रहता है, मुझे नींद ही नहीं आती, 2:30-3 बज ही जाती है मुझे सोते सोते। फिर ऐसा सोना क्या मतलब है, पूरी रात हराम हो जाए, मतलब नहीं। इसलिए मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ, कितना भी थको रात को ही सो, बस ये दिमाग में फिक्स रहता है। और रात को भी यानी कुछ भी हो जाए, कम से कम आपको 7-8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। अगर पूरी लाइफ में इतना भी टाइम हम खुद को नहीं दे रहे, यानी प्रॉपर नींद ही नहीं दे रहे, तो हम कहीं ना कहीं से यानी अंदर से वीक भी होते जाते हैं। और यानी हम कहीं किसी ना किसी से, यानी फिजिकली भी हमारी बॉडी सही नहीं होती है, मेंटली भी नहीं होती। नींद पूरी ना लेने से ये चीज़ बहुत होती है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ होती है इसलिए मुझे पता है कि मैं अगर जिस दिन अच्छे से सो ना पाऊँ उस दिन मेरे को बीमार ऐसा ही लगता है। इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए तो क्या पता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती हूँ, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो चलो अब मैं सैलून जा रही हूँ। बाकी जब पहले मैं नहीं जाती थी तब भी, यानी मैंने ये फैब से स्टार्ट किया है मेरा जो शॉप करो है वो, इससे पहले भी मैं दिन में कभी नहीं सोती थी। दिन में रेस्ट कर लिया वो चीज़ ठीक है, पर सोना मुझे जमता ही नहीं है। ठीक है चलो अब थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं। बुआ गानों भी गाओ पढ़ाते थे। गो चांदी में बर्क वरी है, बुआ के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल कम करूंगा, शुगर थी जा पास और दुख के सले से न्यू ब्लॉगर आया है हमारे घर पे, देखो इसको गौर से। राखी वीडियो सब काम होता है, जनक तेरा सिनेमेटिक शॉट लेती ना, यूं यूं घूम आते तेरे चारों तरफ घूम जाते। ये दिव्य, ये जनक जो कि आज हमसे मिलने आया है, राखी बंधवाने लेके आया है इसकी दादी को। और हम लोग अभी जा रहे हैं शॉप करो पर, तो बहुत बड़ा टीलक भी हो गया है, इसको हटा देते हैं। एक दूसरे को व्लॉग में ऐड कर रहे हैं, व्लॉगिंग करते हुए। ये हमारे गणेश भी हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन के काम यही करते हैं। वेलकम टू शॉप करो दिव्य को, जनक को। अभी हम आ गए हैं शॉप करो पर और ये हनु को आज से लेंगे व्लॉग में। दिव्य को आज तो हम व्लॉग में लेंगे। ये है जनक पंचाल, आप इसके चैनल को जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। ये भी डेली व्लॉगिंग कर रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालता है, तो कृपया करके इसको सपोर्ट दिखाएं। अभी ये हमारी पार्टी चालू हो रही है, पार्टी के अंदर एड है क्या, दाबेली आई है। और मेरा तो जैसे कि व्रत है तो मैं तो खाने वाली हूँ नहीं।
सो गाइस यहां पे अभी दाबेली मंगाई है और ये इतने तीन यूट्यूबर हम इकट्ठे हुए, तीनों जने व्लॉग ही कर रहे हैं। एक रुक जाओ पूरा लो, एक सर्व कर दिए हमने, ये से नाटक क्या है। तो गाइस आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म दाबेली और यहाँ पर तीन यूट्यूबर्स का कोलैबोरेशन हो रहा है अभी काफी मजा भी आ रहा है एक दूसरे के साथ। चैनलों पर एक दूसरे को अभी इस व्लॉग में तो देख पाएंगे और तीनों के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं रोमानी पेश एचपी व्लॉग्स मेरा चैनल डाल देना। इनके चैनल का नाम है जनक पंचाल व्लॉग्स, इनके चैनल का नाम है एचपी व्लॉग्स। तो जल्दी से जाके अपना सपोर्ट दिखाएं कि पानीपुरी हमारे केशव जी आपको पब्लिक में शर्म नहीं आती। जनक भाई साहब वाह, कैसी लगी दाबेली हमारे यहाँ की? अच्छी है। अच्छी है भाई। अभी जा रही हूँ मैं घर पर क्योंकि जनक और दिव्य दोनों आए थे, बहुत सारी मस्ती की उन लोगों को चिकू ड्रॉप करके आ गए, अब मुझे लेने आए, तो चलते हैं घर पे। अभी आ गई थी घर पे और जैसे कि काम वाली आई तो थी पर शाम को नहीं आई थी क्योंकि उसको आ गया था कुछ काम। इतने सारे बर्तन अभी धोए हैं, ये पूरा भरा हुआ था, आके ये क्लीन किया और मेरे क्या हाथ दर्द हो रहे हैं यहाँ से बहुत ज़ोरदार वाले, क्योंकि इतने बर्तन एक साथ धोने में आ जाते हैं तो। और आजकल थकान वैसे ही लग रही थी, अभी तक तो नॉर्मल हुई नहीं है बॉडी क्योंकि 4-5 दिन मैं जम के थकी हुई, यानी जम के बहुत ही ज़बरदस्त थकी थी और मुझे ये हाथ वगैरह दर्द हो रहे हैं। जनक आया था आज, मज़ा आ गया काफ़ी, पूरा दिन बातें की जब से वो आया है और काफ़ी अच्छा, यानी मैं उसको इतना पर्सनली जानती नहीं थी पर आज जैसे कि मिले बात की मज़ा आ गया, यानी ऐसे कहते हैं ना मेंटालिटी मिलती है ऐसा है, वो मुझसे मैच करता है तो वो अपनी मेंटालिटी और आगे वाले की मिलती है तो अच्छा ही लगता है बात करके, मज़ा आया काफ़ी। और हाथ भी कांप रहा है मेरा, हाथ दर्द होने आ गया दोनों इसलिए। और अभी मैं क्या बोलूँ, आज बुआ आए थे राखी बांधी, यानी जो जनक है वो मेरे बुआ जी के लड़के का ही लड़का है उसकी, यानी ऑफिशियली तो मैं चाची होती हूँ पर अच्छा है ना, अच्छे से बातें बातें करता है, मज़ा आया। और मिलती हूँ कुछ देर में, एक घंटे बाद। बढ़िया अनु कैसे वापस एक्टिंग, अनु ये करी दिव्य वापस एक्टिंग। जनक और दिव्य जा रहे हैं तो ये जा रहे हैं, इनको हम करते हैं बाय बाय और इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जनक पंचाल व्लॉग्स, 2-3 बार बोल दिया मैंने व्लॉग में तो कर ही देना इसी बात पर। ठीक है चलो बाय।